इतादे मुलाजमी जिंदाबाद, इतादे मुलाजमी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। पेंडिंग पेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। मिनिमम पेजेस एक्ट रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग पेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग पेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग पेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। इतादे आदमी जिंदाबाद, इतादे मुलाजमी जिंदाबाद, इतादे मुलाजमी जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। 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 इतादे मुलाजमी जिंदाबाद, इतादे मुलाजमी जिंदाबाद। We want justice, 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 we want justice। इतादे मुलाजमी ये आपका बहुत बहुत हम हमने जो आज का ये प्रोटेस्ट रखा है ये इसलिए रखा है कि हम लोग जो हैं डेली वेजर हैं, पीएचई डिपार्टमेंट में अरसा दराज से काम कर रहे हैं, लेकिन हम बारहा गवर्नमेंट से हमने ये अपील की कि हम लोगों का जो मसला है वो फिल फोर हल किया जाए। हमने प्रदर्शन किए, स्ट्राइक की, हमने दिल्ली तक अप्रोच भी किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। इसलिए हमने गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर 15 अगस्त तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम लोग जो हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। क्या 15 अगस्त को गुजर चुकी है, क्या आप हड़ताल जो है इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे? जी, हमने फिलहाल तो हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की काल दी हुई है। अगर 72 घंटे तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो इस काल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जम्मू में आप देख सकते हैं कि दिन रात हमारे लोग जो हैं चीफ ऑफिस बैठे हुए हैं, काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमने यहाँ की लोगों की मजबूरियाँ देखकर हमने इस स्ट्राइक का जो है साथ नहीं दिया। तो आज हमने ये तय कर लिया है कि 15 अगस्त का ये जो अहम दिन है जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इस दिन शायद ही गवर्नमेंट जो है वो हमें कोई राहत देगी, लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो उसको देखते हुए आज हमने जो है 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की काल दी है। आज यहाँ हम सुरनकोट में सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं काम छोड़ हड़ताल पर, क्योंकि हम लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों के घरों में पानी पिलाते हैं। यहाँ के जो आप किसी भी स्कीम में आप खुद देख रहे हैं मीडिया वाले, किसी स्कीम में आप जाओ कोई परमानेंट आदमी आपको नहीं मिलेगा, कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं मिलेगा। जो भी काम कर रहा है वो डेली वेजर कर रहा है, लेकिन डेली वेजर की मुसीबत ये बनी हुई है कि आज तक हमें परमानेंट नहीं किया गया। सैलरी जो है आज 2 महीने हो चुके हैं, हमारी सैलरी भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हमारे साथ ये एक बंधवा मजदूरी का काम ले रहे हैं, हमें एक बंधवा मजदूर बनाया हुआ है। हम गवर्नमेंट से आपके थ्रू ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो फिल फोर लागू की है।